हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्प में। तो दोस्तों, अभी अभी ईएमआरएस को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि आपका एग्जाम जो है वो कैंसिल हो सकता है और ये पूरी जो भर्ती है वो रद्द की जा सकती है। ठीक है, आपके काफ़ी सारे, अभी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि आपकी जो ईएमआरएस में जो फॉर्म करेक्शन की जो विंडो है वो ओपन होने वाली है, उसके लिए नोटिफिकेशन आ गया है। बट एक और नोटिफिकेशन जो है वो सर्कुलेट हो रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि आपकी जो ईएमआरएस की जो वैकेंसी निकली है उस पर स्टे लग सकता है, उस वैकेंसी को रोका जा सकता है फिलहाल के लिए। क्या है पूरी अपडेट इस वीडियो में देने वाला हूँ, क्या आप लोगों ने कमेंट किए वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा, पूरी बात को पहले सुनना फिर उसके बाद रिएक्ट करना, और मैं अपनी तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा। आपको अच्छा लगे तो आप समझ सकते हो उस चीज़ को। ठीक है, मैं मतलब प्रैक्टिकल बात करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जो मतलब एक प्रैक्टिकल रूप में होती है उसको आप मानना हो तो मान लेना, नहीं मानना तो मत मानना, वो आपके ऊपर। मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या सिनेरियो हो सकता है उस चीज़ का। ठीक है, तो चलिए चलते हैं स्क्रीन की ओर, और चैनल पर नए सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो इसी तरह की मोर अपडेट्स के लिए। ठीक है, चलिए। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने अभी वीडियो बनाया था करेक्शन विंडो का, जिसमें आपके काफ़ी सारे कमेंट आए थे। ये लिख रहे हैं कि सर ओहो ये क्या हो गया, सॉरी एक सेकेंड, हाँ ये रहा, सॉरी सर, मोस्ट ऑफ द वीडियो ईएमआरएस एग्जाम कैंसल्ड एंड स्टे इन सुप्रीम कोर्ट, इट इज़ रियल और फेक, प्लीज गिव इन जेन्युइन रिव्यू। इनका कहना है कि काफ़ी सारे वीडियोज ऐसे आ रहे हैं जिसमें बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ईएमआरएस की भर्ती है उसको कैंसिल कर दिया है, स्टे लगा दिया। ठीक है भैया, लोग कह रहे हैं वेकेंसी कैंसिल हो गई है। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये भी देखिए, यहाँ पर मैं और दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए स्टे लग गया है, वीडियो बनाओ इस पर प्लीज, टेंशन हो गई है। ठीक है, इसके अलावा ये देखिए, ये भी लिखते हैं स्टे लग गया है, लग गया ना ईएमआरएस पर, है ना, इस तरीके से। और भी मैं आपको दिखा देता हूँ, और इसके अलावा देखिए ये फिर से लिखते हैं स्टे लग गया भाई, है ना। तो ये इतने सारे आपके कमेंट्स आ रहे थे, तो इसी चीज़ को मैं आपको दिखाता हूँ कि वो क्या नोटिस है और क्या चीज़ हो रखी है। ठीक है, देखिए तो दोस्तों, ये है वो एक जो हाईकोर्ट का जो आदेश है वो है ये। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री सी डी बहुगुणा विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रविंद्र एस रावत की सहायता से श्री बी के कपूर ने स्टैंडर्ड सी का ये कर रहे हैं, और ये देखिए पक्षों के विद्वान को विद्वान वकील को सुना, पिछली तारीख पर इस न्यायालय ने आदेश दिनांकित किया 11/8/2023 हेतु विद्वान अधिवक्ता को प्रतिवादी, इस तरीके से है। ठीक है, और इसमें ये देखिए छठवें नंबर का पॉइंट है कि आज प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के विद्वान वकील का कहना है कि ईएमआरएस के दिशा निर्देशों के मद्देनजर रिट याचिका अनुबंध 19(9.1) के में प्रावधान है कि राज्य के लिए शिक्षकों की भर्ती स्वतंत्र को सौंपी जा सकती है, यानी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपी जा सकती है यदि आवश्यकता पड़ी। इनका कहना था कि जो राज्य के लिए शिक्षकों, यानी कि प्रत्येक राज्य में जैसा कि मालूम है आपको ईएमआरएस के विद्यालय हैं, और वो एक स्वतंत्र एजेंसी को भी सौंपा जा सकते हैं, इस तरीके की ये बात कहिए यदि आवश्यकता पड़ी, ऐसा इन्होंने बोला है। ठीक है, सौंपेंगे नहीं, ऐसा इन्होंने बोला है। ठीक है, चलिए। इसके अलावा उनका यह भी कहना है कि कुछ दिशा निर्देश भी हो सकते हैं जो सौंपे जाएं। सेंट्रल सोसाइटी एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती के लिए पद का विज्ञापन करेगी। ठीक है, इन्होंने ये बोला है कि सेंट्रल सोसाइटी एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में ये इनके अलावा कहना था कि ये कुछ ऐसे गाइडेंस जारी की गई जो सौंपे जाएं, सेंट्रल सोसाइटी को सौंपे जाएं, जो ईएमआरएस में शिक्षण यानी कि टीचिंग और नॉन टीचिंग के लिए भर्ती का पद का विज्ञापन करेगी, लेकिन फिलहाल स्पष्ट निर्देश प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय दिए जाने के बावजूद वह इस विषय पर कोई दस्तावेज दिखाने में असमर्थ है। भाई ये पता नहीं कौन सी बात कर रहे हैं कि भर्ती के लिए पद का विज्ञापन करेगी, बट ऑलरेडी ये तो निकाल चुके हैं ना, इसमें बोला करेगी यानी कि भविष्य में होगा, और ये ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ पर ये भर्ती। ठीक है, ये चीज। दूसरा, संक्षेप में याचिकाकर्ता का मामला, जैसा कि रिट याचिका में बताया गया है कि यह याचिकाकर्ता पिछले 7 वर्षों से ईएमआरएस विद्यालय कालसी जिला देहरादून में पीजीटी शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं, आक्षेपित अधिसूचना। तो दोस्तों ये कह रहे हैं कि जिला देहरादून में एक पीजीटी शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, याचिकाकर्ता जो है आक्षेपित अधिसूचना अर्थात रिट याचिका के अनुलग्न 20 के द्वारा सेंट्रल सोसाइटी प्रतिवादी संख्या 1 में 1 जारी किया है। ठीक है, इनकी रिक्तियों की आपूर्ति हेतु विज्ञापन, इन स्कूलों में पीजीटी और एक ऑनलाइन ईएमआरएस स्टाफ के लिए आवेदन पत्र जारी किया गया था, चयन परीक्षा 2023। ठीक है, इसके बाद नौवां, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना है कि प्रतिवादी नंबर 1, थोड़ा जूम कर देते हैं, नंबर 1 सेंट्रल सोसाइटी को देश भर के ईएमआरएस विद्यालय में शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों के पदों को भरने के लिए ऐसा विज्ञापन जारी करने का कोई अधिकार नहीं है, इनका ये कहना है। ठीक है, यानी वो बोल रहे थे कि सेंट्रल सोसाइटी को बोला गया था कि विज्ञापन जारी करें,
उसके बाद पीजीटी शिक्षक ये रिट जारी करते हैं कि ऐसा सेंट्रल सोसाइटी को अधिकार ही नहीं है, ठीक है, कोई का कोई अधिकार और अधिकार नहीं है अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए। वही एमआरएस के नए दिशा निर्देशों रिट याचिका के 19 खंड 9.3E और एफ के आधार पर प्रस्तुत करते हैं कि शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती की शक्ति की भर्ती की शक्ति स्कूल राज्य स्तरीय सोसाइटी यानी ईएमआरएस सोसाइटी प्रतिवादी नंबर 3 को दिया गया था। इनका बोलना है ये, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद देखते हैं, ये बोलते हैं कि प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के विद्वान वकील ने प्रार्थना की और उन्हें जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए 3 सप्ताह का समय। इसके बाद याचिकाकर्ताओं को प्रत्येक हलफनामा दायर 2 सप्ताह का, एक भीतर के प्रतिवादी 3 और 5 के लिए सेवा के लिए नए कदम उठाए जाएं, ठीक है। पक्षों की प्रतिबंधित दलाली को सुनने और याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के द्वारा भरोसा किए गए दिशा निर्देशों को पढ़ने के बाद मुझे उनके द्वारा दिए गए तर्क में दम नजर आया। इस मामले को ध्यान में रखते हुए लिस्टिंग की अगली तारीख ऑनलाइन विज्ञापन रिट याचिका के अनुलग्नक 20 के अनुसार चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। देखो ये बोल रहे हैं यहाँ पर रोक लगा दी गई, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बोला रोक लगा दी गई है, ठीक है। चलिए इस मामले को 17/10/2023 को सूचीबद्ध करें, यानी कि अभी ये मामला है, अभी रोक लगा दी है और इस मामले को अब 17 अक्टूबर 2023 तक के लिए टाल दी गई, अंतरिम राहत आवेदन तदनुसार निपटाया जाए, इस तरीके से इसमें था, ठीक है। बाकी इसमें और भी कोई कुछ अपडेट नहीं है, बाकी ये खाली पेज है, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या चीज़ है, अब देखिए मैं दोस्तों ईएमआरएस की अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ, ठीक है, बिल्कुल रिफ्रेश करके बैठा हूँ। देखिए एक बार और कर लेता हूँ आपके लिए, देखिए ये कर दिया मैंने रिफ्रेश, और यहाँ पर अब अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू जाएं, यहाँ पर किसी भी तरीके की आपको इस तरीके का कि स्टे लग गया है या कोई भी यहाँ पर अपडेट आपको देखने को नहीं मिल रही होगी इस वेबसाइट के थ्रू अगर हम देखें, ठीक है। तो चलिए मैं आपको अब बता, तो दोस्तों देखिए अगर हम उस याचिका के थ्रू जाएं जिसमें साफ साफ बोला जा रहा है कि ईएमआरएस की टीचिंग और नॉन टीचिंग भर्ती के लिए उन पर रोक लगा दी गई है, उनका कहना था कि जो सेंट्रल सोसाइटी वो एग्जाम नहीं करा सकती है, वो इस तरीके से उनकी एक याचिका करता है स्कूल के, कलासी स्कूल है जिला देहरादून में, वहाँ के पीजीटी टीचर है, उन्होंने ऐसा बोला, ठीक है। और उससे पहले बोला जा रहा था कि जो राज्यों के लिए कोई भी एजेंसी, किसी भी स्वतंत्र एजेंसी को ये काम दिया जा सकता है, बट वो बोल रहे कि ऐसा नहीं किया जा सकता ये हमारे इसके लॉ के अकॉर्डिंग देखे तो। और वहाँ पर साफ साफ मैंने बताया कि उस पर रोक लगा दी गई है, इस तरीके से वर्डिंग वहाँ पर लिखी हुई थी। बट अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट को अभी मैंने आपके सामने खोल के बताया कि किसी भी प्रकार का कोई अपडेट नहीं है, इवन इन्होंने तो जो आपका फॉर्म में करेक्शन करना है आपको उसकी भी जो लिंक है वो जारी कर दी गई है, एक्टिव नहीं हुई हालांकि, तो वो चीज़ भी इन्होंने दे दी गई है। तो ये जो है वेबसाइट के थ्रू आपको जाना है, हाईकोर्ट का जो आदेश है वो उसको चलने दीजिए, क्योंकि अभी वेबसाइट पर नहीं आया जब तक हम ऑफिशियली उसको नहीं मान सकते, हालांकि वो भी ऑफिशियल चीज़ है बट हमारे लिए वो अभी इनवैलिड है मान के चलिए, क्योंकि जब तक इस वेबसाइट पे अपडेट नहीं होगा तब तक के लिए वो हमारे लिए इनवैलिड ही साबित होगा। तो आप बिल्कुल पैनिक मत होइए कि भर्ती कैंसिल हो गई है, हमारे पैसे बर्बाद चले गए, हम पढ़े या नहीं पढ़े, जो आपका काम है आपको वो करना है। और अगर इस पर फैसला होगा तो वो 17 अक्टूबर जैसा कि उसमें डेट दी गई थी मैंने आपको बताया, तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा उसमें साफ साफ 17/10 यानी कि 17 अक्टूबर 2023 के लिए उन्होंने बोला है, तब तक के लिए इस जो भर्ती है इस पर रोक लगा दी जाती है और 17/10 को एक नया फैसला जारी किया गया तो जाएगा। तो उसमें देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिला है फिलहाल, और वहाँ पर ऐसा बोला कि भर्ती पर रोक लगा दी है, तो हो सकता है कि उसमें जो आपका एकलव्य मॉडल सेंट्रल सोसाइटी जो है उसको ये हमारे सेंट्रल सोसाइटी करके जो है उस वैकेंसी को उस एजेंसी को हटा के कोई दूसरी एजेंसी भी उसके द्वारा एग्जाम को कराया जा सकता है, ऐसे एनटीए हो गई, टीसीएस हो गई, आपका आईपीएस हो गई, इनके द्वारा भी वहाँ पर एजेंसी चेंज कर दें और जो भर्ती है उसको प्रोसेस उसका जो प्रोसेस है वो जैसा चल रहा है उसको चलने दें, बस वहाँ पर एजेंसी जो है वो आपकी चेंज हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। फिलहाल के लिए आपको बस इतना समझना है कि आपको केवल आपने फॉर्म भर दिया, आपको तैयारी करनी है, आपको फालतू की बातों नहीं सुननी है कि भर्ती रुक गई है, इसका क्या होगा क्या नहीं होगा। यहाँ पर अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई अपडेट नहीं आया है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही अपडेट आ गया तो इसका मतलब समझना कि ये कन्फर्म हो चुका है भर्ती पर रोक लगा दी गई है, या जो भी नोटिस आता है उसके तहत हम देखेंगे उस चीज़ को। फिलहाल अगर हम उस नोटिस के अकॉर्डिंग भी जाएं तो 17/10 को एक नया फैसला आएगा, तब तक आपके लिए अच्छा है कि आपको 17/10 यानी कि अगर हम देखें आपको पर पूरा सितंबर मिल जाता है और 17 दिन उसके और लगभग 10 दिन इसलिए लगभग 2 महीने पूरे पूरे आपको मिल जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए, अगर ऐसा भी होता है जबकि नया फैसला हमें 17 अक्टूबर को देखने को मिलेगा, तो ये आपके लिए बेनिफिट है। अगर वो कैंसिल होगी तो यहाँ पर पूरा आ जाएगा, बाकी अभी आपको कुछ नहीं सोचना, भाई कैंसिल होगी मैं तो चैन से बैठ गया और अब क्या पढ़ना, बस ठीक है हो गया, मतलब ये भर्ती कैंसिल, मतलब ऐसा थोड़ा होता है भाई, अगर तुम तो इसकी इस एग्जाम की तैयारी करोगे तो ये जो तुमने पढ़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं तो काम आएगा, या फिर ये वैकेंसी तो होगी, ये कन्फर्म है कि ये वैकेंसी
रुकेगी नहीं, इस वैकेंसी पर भर्ती होगी। अब ऐसा हो सकता है इसको कैंसिल करके नया नोटिस जारी कर दे, उसके थ्रू कोई अन्य अन्य एजेंसी एग्जाम ले, बट एग्जाम आपका होगा, चाहे कोई सी भी एजेंसी दे, ये इस तरीके से कैंसिल नहीं कर पाएंगे इनको, क्योंकि लाखों संख्या में 7-8 लाख जितने भी फॉर्म भरे गए वो भरे गए भाई, इनकी हालत खराब हो जाएगी अगर उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया तो, क्योंकि फीस उन्होंने बहुत हाई चार्ज की, 1000-1500 रुपये, 1500-1500 रुपये ये सड़क पर आ जाएंगे भाई। तो ऐसा नहीं होगा, एजेंसी वाले को चेंज कर सकते हैं, सेंट्रल सोसाइटी को हटाकर TCS को या किसी भी अन्य अदर एजेंसी को एग्जाम सौंपा जा सकता है और आपके एग्जाम को कंप्लीट कराया जाएगा पूरी तरीके से। तो अभी आप बिल्कुल मत सोचिए, बिल्कुल आपका काम है, आप हो स्टूडेंट, आपका काम है पढ़ना, तो केवल आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है और बिल्कुल पढ़ाई करिए जब तक एग्जाम की डेट नहीं आ जाती, ठीक है। अभी अगर उस नोटिस के अकॉर्डिंग 2 महीने पूरे हैं तो टेंशन मत लीजिए, पढ़ाई कीजिए, ठीक है। इसके बाद भी अगर कोई आपका सजेशन है तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, बाकी आपका आपकी क्या राय है इस जो मैंने आपको बताया, ठीक है। बाकी वीडियो चलो लाइक कर देना, EMRS की और भी कोई अपडेट आएगी, जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना, क्योंकि अगर मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, क्योंकि कल से मेरा ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं आपको टेलीग्राम पर जो है आपकी अपडेट दे देता हूँ, ठीक है। वो नोटिस भी मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, नीचे टेलीग्राम का लिंक है, लिंक वर्क नहीं करता है तो टेलीग्राम पर जाकर द एग्जाम हेल्पर डालेंगे तो आप उसे ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। चलिए बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।